एक्सएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में है आपके अपनी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर जी, युवा हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि आज इस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इनको घोषित किया गया है और काम कर रहे हैं। सर, आप इस पार्टी के अंदर आए, इस पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई है पार्टी और ये इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या काम करना चाहती है? हम आपको बताना चाहते हैं कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे लोगों ने, जो देश के लोगों ने एक संवैधानिक व्यवस्था दी है देश को, उसमें जो नागरिकों के अधिकारों के हक की और सुरक्षा की बातें दी गई हैं, वर्णित की गई हैं, वो पिछले जो आज़ादी के बाद भी वो चीज़ें फील्ड पर अभी ज़मीनी स्तर पर दिखती नहीं हैं, या फिर जितनी दिखती हैं, जितनी दिखनी चाहिए, जितना सुधार होना चाहिए उतना नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि जो व्यवस्था दी गई है देश की जनता के लिए, लोगों के लिए, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए, वो ज़मीनी स्तर पर दिखे, जिससे समाज की जो विषमता है, जो कि हमेशा चर्चा का विषय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक समानता हो, आर्थिक समानता हो, सामाजिक जो भी समानता है, तो ये चीज़ें जब हम संविधान को पूरी तरह से ज़मीनी स्तर तक ले जाएंगे, उसको लास्ट इकाई तक लागू करेंगे, उस व्यवस्थाओं को फॉलो करेंगे, तो वो होगा। और जो मेन उद्देश्य हमारा ये है कि समाज में ये सारी चीज़ें जो हमारे देश में है, जो विसंगतियाँ हैं, जो न्यूज़ के माध्यम से और अलग अलग माध्यमों से आते हैं, जो समाचार का विषय बनते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भानु प्रताप सिंह जी, अभी आपने बताया कि खड़े होकर के संविधान आज हमारा खतरे में है, तो आपको लगता है कि खतरे में? नहीं, खतरे में जैसा ऐसा नहीं कह सकते कि खतरे में है। खतरे में खतरा कहाँ से है, देश के लोग हम भी जो कहते हैं वो भी हैं, जो सभी हैं, तो अगर हम उस पर फोकस करें तो ऐसा नहीं कि खतरे में है, लेकिन यह है कि हम शायद उस पर केयर नहीं करते हैं। जो लोग हैं जिनको लगता है खतरे में है, वास्तव में अगर खतरे में है तो हमको सोचना चाहिए, हमको करना चाहिए। हम उसी लिए हैं कि ये चीज़ें जो लोगों के बीच में विचार में न आए कि नहीं, हमारे देश में ये विसंगतियाँ हैं, आशंका ना पैदा, उनको ख़त्म किया जाए, खतरे में नहीं है, वो चीज़ें हम कर सकते हैं, वो चीज़ें होंगी। इसके लिए हमने इस चीज़ का गठन किया है और हम चल रहे हैं। और हमारे जो युवा, भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है, ना तो केंद्र में मान रही है, ना जहाँ जहाँ जिन राज्यों के अंदर जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मान रही है, वो अपने मनुस्मृति के तहत वो काम कर रही है। नहीं, हम किसी पार्टी के बारे में, कौन पार्टी किसको फॉलो कर ली, किसको नहीं कर रही है, उससे नहीं मतलब। उस पार्टी के ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी संविधान की व्यवस्थाएं लागू होती हैं। वो नहीं मानती या कोई नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। ये है कि जो मानते हैं वो, जो नहीं मानते, नहीं मानने वाली कंडीशन को ख़त्म किया जाए। जो अगर संवैधानिक चीज़ें हैं, प्रशासन व्यवस्थाएँ हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानती हैं। शायद आपका मानना नहीं संविधान प्राइवेटेशन की तब ले जा रहे हैं, और संविधान के तहत नौकरियों में रिजर्वेशन होना चाहिए या प्राइवेटेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए। जब ये रिजर्वेशन की जो बात आती है, आरक्षण की जो बात आती है, लागू होगा, जब ही तो हमारा संविधान काम करेगा। ये जो आरक्षण की बात आती है, तो आरक्षण एक्चुअली मैं सोचता हूँ, अगर जो आरक्षण आदमी क्यों मांगता है, आरक्षण शिक्षा के लिए चाहिए, स्वास्थ्य के लिए चाहिए, रोजगार के लिए चाहिए। जो अगर चीज़ें, ये चीज़ें होती हैं, तो आरक्षण पे डिस्कस का या उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में जाने का मतलब नहीं होता। अगर जो समाज का नागरिक है, जो दबला दबा कुचला है, पिछड़ा है, जो किसी तरह से उसके साथ विसंगति हैं, अगर वो चीज़ें नहीं होती, तो आरक्षण पे इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो हमको तो इस चीज़ पर फोकस करना है ना कि ये सारी जो चीज़ें हैं, कि आप किसी चीज़ को मुद्दा बना के, चाहे आरक्षण को, चाहे जातिवाद को, चाहे क्षेत्रवाद को, चाहे धर्म संप्रदाय को, जो मुद्दा बना के आप देश को तोड़ो नहीं, आप लोगों के बीच में विद्वेष ना फैलाओ, इसके लिए हम तो आए हैं मैदान में। और हम अपने जो नागरिकों से, युवाओं से यही उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं कि आप इस पर आगे बढ़िए और साथ दीजिए। जैसे कि अब लोग जो तरह तरह के संगठन चला रहे हैं और तरह तरह की बात बता रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा, संविधान की बात बनाएंगे या संविधान की बात को लोगों में फैलाएंगे, युवाओं में फैलाएंगे, या मतलब आप अपने अलग तरीके की बात फैलाएंगे? अलग तरीके की चीज़ करने की जरूरत ही नहीं है। आप संविधान से अलग जा ही नहीं सकते ना, आप अलग का मतलब ही नहीं होता। अगर वही चीज़ें हो जाए जो पिछले 70 सालों से संविधान चल रहा है और हम काम तो उसी के दायरे में हो रहा है, लेकिन ज़मीन पे कुछ और है, तो हमको सिर्फ यही करना है कि जो संविधानिक चीज़ें हैं वही उनसे अलग हट के कुछ अलग जाने का, हटने का मतलब नहीं होता। प्रताप जी, अब मैं एक बात आ जाता हूँ, जब केंद्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है यूपी के अंदर, उन्होंने बोला था हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे और सबका साथ सबका विकास, तो कैसा विकास हो रहा है, कितने लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं? नहीं तो हम जो केंद्र की सरकार या जो आप जो राज्य की सरकार की बात करें, हम उस पर एकदम भी नहीं जाना चाहते। हम तो ये कहते हैं कि जैसे जो हमारे युवा हैं,
अच्छा हमारा युवा अगर कहीं अशिक्षित भी है तो कहीं शिक्षित भी है, हमारा युवा कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक भी है। तो अब युवा को इतना डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, अगर युवा इतना डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, इतनी सोच नहीं रखता, तो हम किसी पार्टी को किसी सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने युवा के लिए नहीं किया। युवा को खुद सोचना चाहिए कि पिछले इतने दिनों से इतने सालों से चीज़ें देखते हुए आ रहा युवा, कोई पार्टी आती है गरीबी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम से वोट ले कर राजनीति करती है। तो आप अगर किसी को इतनी हाई लेवल तक पहुँचा सकते हो वोट करके, सहयोग करके, तो अपने लिए आप क्यों नहीं सोचते हो? हम तो युवा से ही कहते हैं कि आप अपने लिए क्यों नहीं सोचते हो? तो आप युवाओं से क्या अपील करोगे? युवाओं से हम यही अपील करेंगे कि आप अपना वोट देके, सपोर्ट देके, एक रोड के आदमी को या फिर एक मामूली से आदमी को इतना बड़ा घोटाला करने के लिए, प्रशासन देखने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए आप यहाँ लेवल तक ला देते हो, और जो आपको, आप जहाँ थे वहीं हो, तो वो चीज़ें आप अपने लिए क्यों नहीं करते? आप राजनीति में आइए, आप समाज में आइए, आप चीज़ों को देखिए, आप व्यवस्था में आइए, क्यों नहीं आते हो? आप अपने लिए कीजिए ना। जब आप अपने लिए करेंगे तो आपके साथ देश का, परिवार का, समाज सबका विकास होगा। तो आप अपने लिए कीजिए ना, कि आप किसी को बनाते फिरिए, कब तक बनाते जाओगे? आप किसी को सपोर्ट वोट कब तक देते जाओगे? और जब अच्छा देख के आपने तो पिछले 70 सालों से देख लिया, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो अब तो आपकी जो सोशल मीडिया है, जो सोशल साइट है, और बहुत सारे माध्यम हैं जिससे लोगों के विचार और सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ आती जाती हैं, फैल रही हैं, तो उसका फ़ायदा उठाइए, लोगों के साथ जुड़िए, और आप अपने लिए, देश समाज के लिए सोचिए और इस कीजिए। धन्यवाद।